पांच साल बाद अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी। अयोध्या के माया बाजार में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा बीएसपी ने बाबा साहेब और एसपी ने लोहिया के आदर्श को मिट्टी में मिलाया। मायावती के ट्वीट पर पीएम मोदी ने किया पलटवार। कहा मायावती ने बाबा साहेब के नाम का किया इस्तेमाल लेकिन उनके आदर्श का नहीं किया पालन। बिहार में महागठबंधन के सहयोगी कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। पटना साहिब में कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ वीआईपी से रीता देवी ने भरा पर्चा। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बुरे दिन हो सकते हैं शुरू। मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक आज। भारत के साथ आ सकता है चीन। कच्चे तेल के खेल में फंसा भारत, अब से खत्म हो रही है अमेरिकी छूट। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा असर। नमस्कार, नेशनल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच साल बाद अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा बीएसपी ने बाबा साहेब अंबेडकर और सपा ने लोहिया के आदर्शों को मिट्टी में मिलाया। 2014 के चुनाव के बाद मोदी यहां दौरे उन्होंने यहां पर दौरा किया लेकिन तब वो प्रधानमंत्री पद के सिर्फ दावेदार थे। अयोध्या के बाद मोदी कौशाम्बी जाएंगे, इसके बाद अलावा राजस्थान में जयपुर और मध्य प्रदेश के इटारसी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में चुनाव के दौरान महागठबंधन के सहयोगियों के बीच दरार सतह पर उभरती दिख रही है। आरजेडी ने सुपौल में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के खिलाफ निर्दलीय दिनेश यादव को इनडायरेक्टली खड़ा कर दिया है तो कांग्रेस के बागी शकील अहमद मधुबनी में विकासशील इंसान पार्टी के बद्री कुमार के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। इसी तरह मुकेश साहनी की अगुवाई वाली वीआईपी ने पटना साहिब में कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ रीता देवी को मैदान में उतार दिया है। रीता ने सोमवार को अपना पर्चा दाखिल किया। हालांकि उनके पति और वीआईपी के महासचिव छोटे साहनी ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी चुनाव आयोग के मापदंडों को पूरा करने के लिए है। उन्होंने बताया चुनाव आयोग में वीआईपी का रजिस्ट्रेशन पिछले साल जुलाई में हुआ था। एक नई पंजीकृत पार्टी के लिए अगले चुनावों में कम से कम 10% सीटों पर चुनाव लड़ना होता है। हमें महागठबंधन में खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट मिली, इसलिए हमने एक और सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना था। हम पटना साहिब से मेरी पत्नी को उतारने का फैसला हमारे अध्यक्ष का है। महागठबंधन का जो संगठन था अब उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ती दिखाई दे रही है। तमाम जो दल हैं उसमें महागठबंधन के जो दल हैं वो तमाम जो सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारने में लग गए हैं, जिसके चलते वीआईपी के महासचिव छोटे लाल ने अपनी पत्नी को चुनाव में उतार दिया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बुरे दिन आज से शुरू हो सकते हैं। दरअसल चीन उसके ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के मामले में अब नरम पड़ता दिख रहा है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण 1267 समिति की बैठक से पहले चीन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए जो अड़ंगा लगा रहा था उस पर फिर से विचार करेगा। ऐसे में आज इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर चीन अपनी बात पर कायम रहता है तो इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि भारत लगातार चीन पर प्रेशर बना रहा है। चीन अपनी बात पर कायम रहता है तो इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि भारत लगातार चीन पर प्रेशर बना रहा था कि वह जिस तकनीक पक्ष की दुहाई देकर अजहर को बार बार बचा रहा है उससे पीछे हट जाए। बता दें कि पिछले 3 सालों में भारत ने कई बार अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने की मांग संयुक्त राष्ट्र में उठाई है लेकिन हर बार चीन इसमें रुकावट बनता रहा। अब अगर चीन अपनी कूटनीतिक बातों से अगर पीछे हट जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं भारत की जीत होगी और आतंकी मसूद अजहर को फिर से वैश्विक आतंकी के तौर पर देखा जाएगा।
ईरान पर पाबंदी के बाद तेल संकट भारत के गले की फांस बन सकता है। अमेरिका ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने की जो छूट भारत को दी थी उसमें 1 मई से हटाने का ऐलान कर दिया है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 12% कच्चा तेल ईरान से आयात करता है। ऐसे में ईरान से आयात पर रोक के बाद भारत को नए देशों से तेल के आयात का करार करना होगा, जो महंगा सौदा साबित हो सकता है। पहले से ही ईरान से तेल का आयात घट चुके भारत की मुश्किलें अमेरिकी पाबंदी से मिली छूट के खत्म होने के साथ बढ़ने वाली हैं। अमेरिकी प्रतिबंध से पहले ईरान से भारत करीब 25 मिलियन टन ईरान से खरीदता था। प्रतिबंधों के बाद पिछले कुछ महीनों में 1.25 मिलियन टन खरीद प्रतिमाह रह गई है। सरकारी सेक्टर की तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। इस इजाफे के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 6 रुपये बढ़ गए हैं। वहीं गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 22.5 रुपये बढ़ी है। यह कीमत आज यानी 1 मई से लागू हो गई है। बता दें कि यह कीमत सिर्फ 1 महीने के लिए लागू होंगी। सिलेंडर के दाम में हुए इजाफे के बाद दिल्ली में रहने वाले उपभोक्ता को गैस सिलेंडर के लिए 502 रुपये चुकाने होंगे। वहीं तेल कंपनी की ओर से कमर्शियल सिलेंडर का दाम 730 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले 1 अप्रैल को भी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था। अप्रैल में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 5 रुपये बढ़कर 706.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया था। वहीं 1 मार्च को इसमें 42.5 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी। चक्रवात तूफान फानी ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे तटवर्ती इलाकों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कहर ढा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि 2 और 3 मई को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फानी के कारण हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर फानी के मंगलवार मध्यरात्रि तक बेहद तीव्र होने की आशंका है, जिस कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में फानी चक्रवात के कारण 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की ओर से किसानों को सलाह दी गई है कि किसान नमी और तेज हवा से फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कटी फसल, खुले में रखे अनाज और खेतों में तैयार खड़ी फसल को काटकर सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर लें। आपको बता दें कि यूपी में भी कहर बरपा सकता है फनी तूफान। लगातार मौसम विभाग ने भी इसकी चेतावनी दी है कि 2 और 3 मई को यूपी के कई इलाकों में तेज हवा के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से गठबंधन के प्रत्याशी सीएल वर्मा इस वक्त लगातार जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। ऐसे में 6 मई को लखनऊ में चुनाव है। आज हमारे संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली में जाने से पहले उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनता अब जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है और गठबंधन की ही जीत होगी। दिल्ली में कीमत खूब बढ़ गई है धान की, ज्यादा हो सकी बेटी किसान की को हराने को लेकर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पूरी तरीके से कारगर होता नजर आ रहा। इस समय हम लखनऊ में मोहनलालगंज के बसपा सपा गठबंधन प्रत्याशी सीएल वर्मा जी के साथ में, जो लगातार सुबह से पूरे लखनऊ का भ्रमण कर रहे हैं और सिधौली में इस समय हम लोग मौजूद है। जानते हैं कि कितना कठिन रास्ता है भाजपा की जो गढ़ है उसमें सेंध लगाना। वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे सेंध लगाएंगे, क्या चीजें खास होने वाले इस बार चुनाव 2019 में? देखिए 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरह के लुभावने वादे किया था जनता से, और जो सबसे बड़ा वादा इनका था कि मैं विदेश से काला धन लाएंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपये डाले करेंगे, काम करेंगे। इन्होंने उसी दरबान दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा था, मीडिया के सामने मीडिया ने पूछा आप बताइए यहाँ नए वादे ले आए, आपने 2014 का जो सबसे बड़ा वादा था 15 लाख रुपए देने का
तो उन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि चुनावी जुमला था। तो मेरा कहने तात्पर्य है, अब भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बात पे जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कह रहे हैं वो तो चुनावी जुमला था। आज जैसे आज हमारे मोहनलालगंज में उनकी सभा हो रही है, तो यहाँ की जनता या पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि जो भी बोल रहे होंगे ये मात्र चुनावी जुमला हो सकता है, ये हकीकत कुछ नहीं हो सकती। एक और चीज़ देखने को मिले, जिस तरह से अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी और सपा यानी बसपा सुप्रीमो के काफ़ी करीब रहे हैं आप, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के खास रहे हैं, तो ये कहा जाए अन्य प्रत्याशी भी लगे थे बसपा से वोट के यानी चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने के लिए, लेकिन बहन जी ने आप पर भरोसा जताया है, कितना भरोसे पर अभी जनता आपको कितना सहयोग कर रही है? मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि मेरा कहीं असहयोग हो रहा है, मुझे इतना प्रसन्नता हो रही है जो सहयोग मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है किसी अन्य को इतना सहयोग मिल रहा होगा, इतना आशीर्वाद प्राप्त हो रहा होगा। अच्छा, एक और प्रश्न आता है जो अमूमन जनता जहाँ देश की जी जहाँ रही बहन जी की के प्रति मेरी निष्ठा की, तो बहन जी के लिए मैं जीवन आजीवन आभारी हूँ, जिन्होंने हमको इस लायक समझा, मुझे अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं बहन जी का सच्चा सिपाही हूँ, जब तक जीवन है तब तक सच्चा सिपाही बनकर रहूंगा। एक और चीज निकल के सामने आती, क्या क्योंकि आप सरकारी नौकरी से बीएस ले चुके हैं, एक प्रश्न जनता जानना चाहती है, जो व्यूअर्स देश के हैं, प्रदेश के यहाँ खास तौर से लखनऊ और मोहनलालगंज के वासी ये जानना चाहते हैं, क्या राजनीति में आना जरूरी है समाज की सेवा को करने के लिए? मैं बताना चाहता हूँ, मैं 91 में जॉब में आया था, उस समय से मैं पहली अपनी सैलरी से अपने जो साथ हमारे साथ दोस्त पढ़ते थे उसमें से पहली सैलरी से 500 रुपये निकाल करके जो बेरोजगार लड़के थे उनको किसी को 50 रुपये किसी 100 रुपये फीस देना चालू किया था। मेरा उस समय रुझान था कि हम अपने जो हमारे संपर्क में हैं जहाँ तक मैं अपनी मदद उनकी हेल्प कर सकूँ मैं कैसे करूँ, तो धीरे धीरे ये मेरी सोच बढ़ती गई, नौकरी में आया और काफ़ी हमारी नौकरी लंबी होती गई, तो मैं क्या जनसेवा करता था, जैसे ऑफिस आवर्स में ऑफिस रहता उसके बाद सुबह शाम जैसे कोई हमारे क्षेत्र में कहीं बीमार हो गया तो उसको अस्पताल ले जा करके उसको इलाज करवाना, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है उसके लिए डोनेट ब्लड खुद स्वयं करना या कहीं व्यवस्था करवा के, मेरे अंदर लालसा थी समाज की सेवा कैसे की जाए, तो मैं धीरे धीरे ऐसा कुछ आया इस मुकाम में पहुँचा, क्यों ना मैं जनता के बीच जाऊँ और जनता से आशीर्वाद लेकर के पूर्णतया स्वतंत्र होकर जनता की सेवा। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार लोगों का जो काफिला है वो आपको मिलता जा रहा, जनसंपर्क एक बड़ा जनसैलाब के रूप में परिवर्तित होता आ रहा, जिस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों का लगातार अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह समाजवादी पार्टी के लोग अपने साथ में हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ पूर्व MLC हैं और सब लोग सिर्फ एक बार MLC लोग जो हैं वो लोग सब एक बार ये चाह रहे हैं CL वर्मा साहब एक बार आए उनसे मुलाकात करें, जिस तरह से उनका दौर चला, ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न एक उठता है, जनता जानना चाहती है, जो लोगों के मन में भ्रम है कि सपा बसपा जो गठबंधन है ऐसे में एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है वो साफ बयां कर रहे हैं कि पूरी तरीके से बसपा ही कम लग रहा है, यहाँ पे जो टी शर्ट लोग पहने हैं समाजवादी पार्टी के लोग ज़्यादा लग रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाना गलत नहीं होगा कि पूरा सहयोग मिल रहा है? हमें 100% सहयोग मिल रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी 5 विधानसभा भ्रमण कर रहा हूँ, जिस तरह सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मैं बहुत ही अपने आप को खुशमिजाज समझता हूँ कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमको सब लोगों ने स्वीकार किया। अब आपको बता एक उदाहरण बता रहा, आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कुछ भी हो करनी रचा है, तो मेरे लिए बहुत स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी लोग। और बताना चाहता हूँ, आज कम से कम 50% जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं उनके खेमे के लोग हमारे गठबंधन में शामिल हो गए हैं, इसी कड़ी में जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको दलबदलू कह करके जनता ने नकार दिया है, उनकी संख्या हमें तो लगता है 6 मई तक जब वोट पड़ेगा उनका सब कुनबा साफ हो जाएगा। आखिरी मैसेज, एक आखिरी मैसेज अपनी जो विधानसभा सीट है मोहनलालगंज के लिए, क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से नेशनल लाइव पे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, एक मैसेज क्योंकि बड़े लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे चुनाव के दिन के लिए मतदाताओं को, क्या कहेंगे अपने जो वोटर्स हैं उनको, क्या कहेंगे किस तरह से जो लोग हैं जो सांप्रदायिक लोग हैं बीच में आ रहे हैं उनसे किस तरह बचने की और आपकी तरफ कोई हमारे यहाँ सांप्रदायिक कोई बीच आने कामयाबी नहीं हो पा रहे हैं, सांप्रदायिक जनता इतना जान चुकी है किसी तरह कोई भी हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाए वो सफल नहीं होने वाली। आप देखिए पिछले 6 महीने देख रहे हैं तरह तरह तमाम तरह अनेकों प्रकार के प्रयास किए गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी बराबर फेल होती नजर आ रही है जी। तो अब जनता समझ चुकी है, जनता ने इस गठबंधन को स्वीकारा है, ये गठबंधन आप देखिएगा गठबंधन की सारी सीटें हम जीतेंगे, यहाँ तक आप देखिएगा जिस 23 मई को जो गिनती होगी 23 मई बाद देखिएगा भारत का प्रधानमंत्री इसी गठबंधन से चुना जाएगा, आप देखिएगा।
यदि सीएल वर्मा जिनका कहना साफ है कि गठबंधन का असर पूरे प्रदेश में तो दिख रहा है, लेकिन प्रदेश की राजधानी में इसका असर साफ दिख रहा है, जो लगातार नेशनल वाइज आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, नेशनल लाइव। बिजनौर के नजीबाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर सेवा की शुरुआत की है। रोडवेज बसों में सुविधा देने के लिए परिवहन निगम की यह पहल दिव्यांगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इस सुविधा से परिसर में आने वाले, परिसर से जाने वाले दिव्यांगों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही बसों में चढ़ने और बसों से उतरने के दौरान वाहनों की चपेट में आकर घायल होने वाला जो खतरा था, वो अब उससे भी निजात मिलेगी। आपको बता दें कि दिव्यांग लोग ई रिक्शा और वाहनों से रोडवेज डिपो तक पहुंच जाते थे, लेकिन रोडवेज बसों में सफ़र करने के लिए बसों तक पहुंचने में, चढ़ने और उतरने में उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। वहीं इस पहल पर रोडवेज मैनेजर निसार अहमद का कहना है कि रोडवेज परिसर में दिव्यांगों का बसों से उतरने और चढ़ने के दौरान वाहनों की चपेट में आकर घायल होने का डर रहता था, लेकिन अब दिव्यांगों को बसों तक पहुंचने और बसों में उतरने के लिए व्हीलचेयर मददगार साबित होंगी। क्या मकसद है इसका पूरा? मकसद है सरकारी में प्रवेश करेंगे दिव्यांगों को सवारी बस में बैठाने के लिए, उठाने के लिए। अब तक कितनी सवारी बैठी है इसमें? तो क्या क्या फायदा हो सकता है इससे दिव्यांगों को? कुशीनगर के थाना कसया अंतर्गत गांव अर्जुनहा में टेम्पो और टैंकर की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 15 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें से 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। इस हादसे की वजह से NH-28B पर खड़े ट्रक तीसरे आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। वहां पर रोड के किनारे खड़े ट्रक लोगों की परेशानियों को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। वहीं जिले में प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। घटना के एक घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची और घंटों बाद प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर खड़े लोगों ने आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया। एक्चुअली मैं उधर से ट्रैवल कर रहा था अपना कुशीनगर से पटरौना की तरफ, देखा मतलब रास्ते में मतलब काफी ट्रक लगे हुए हैं, ठीक है। एक ट्रक इधर से जा रहा है और सामने से मतलब ये ऑटो था, ठीक है। अब ऑटो और लगा लीजिए इसमें इतनी बुरी तरह से टक्कर हुई और लोग वहाँ पे खड़े थे, सब नजारा देख रहे थे। किसी तरह से गांव वालों की मदद से मैंने इनको मतलब लोकल जो लोडर है उसमें डाला और इनको किस तरह लिया, इवन तक कि मैंने फोन किया 104 नंबर पे, 100 नंबर पे, और अभी लगा लीजिए एक घंटा हो गया, ठीक है। मुझे अभी फोन आ रहा है कि आप कहाँ हो। टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची, टाइम पे मतलब अपना पुलिस प्रशासन नहीं पहुंची। 28 पर अक्सर जो है FCI गोदाम के सामने जो अर्जुनहा जो कहा जाता है वहाँ ट्रकों का अक्सर जमावड़ा लगा रहता है, जिसको देखते हुए अब पूर्व में भी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इससे FCI गोदाम के लोग अब तक बाज नहीं आ चुके हैं। आज इस समय हम जिला अस्पताल पर मौजूद हैं, यहाँ 15 से 16 लोग घायल हैं, जिसका कारण FCI गोदाम ही माना जा रहा है। 15-16 लोगों में लगभग 5 से 6 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, गंभीर घायल हैं, जिनको जो है गोरखपुर मेडिकल के लिए भेजा गया है। अब देखना यह है कि खबर का असर कहां तक होता है और जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। उमर अंसारी, नेशनल लाइव न्यूज, खुशी। यूपी के कौशाम्बी दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कादीपुर मेला मैदान में पार्टी प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अंग्रेजों की तर्ज पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को धोखा दिया। अखिलेश ने केंद्र और राज्य सरकार को किसान और नौजवान विरोधी बताया। उन्होंने कहा जो लोग चाय वाला बनकर आए थे वह अब चौकीदार बन गए हैं। देश की जनता इस चुनाव में उनसे चौकी छीनने का काम करेगी, ये चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। वहीं इस दौरान अखिलेश कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। वो हमारी टोटी जहाँ से ढूंढे वहीं से चिलम भी ढूंढेंगे। सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है, कभी आप उनसे भी सवाल पूछो। और उन्होंने लैपटॉप तो दिए नहीं, और क्योंकि लैपटॉप इसलिए नहीं दिए क्योंकि खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते।
नहीं, सांड तो अभी ज्यादा घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए, मुझे भी नहीं पता। किस प्रकार के हैं ये सांड? मैं ये चाहता हूँ कि जो वादा उन्होंने किया था अन्ना पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, वो उनको पैसा लगाना चाहिए। आप याद होगा आपको, उन्होंने कहा कि हम अन्ना पशुओं के लिए बजट रख रहे हैं, और जब बजट निकला तो 40,000 रुपए प्रति गाँव निकला, तो आखिरकार वो पैसा है कहाँ? वचन कहाँ चला गया? मुझे इशारा नहीं। चंदौली की मुगलसराय पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय जहर खुरानी गिरोह के एक शख्स को वीआईपी गेट के पास से गिरफ्तार किया है, जो रेल और बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस का कहना है कि ये 5 सालों से रेलवे और बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों के साथ पहले दोस्ती करता था, फिर रास्ते में कहीं चाय पिलाने के बहाने चाय में नशीली दवाई मिलाकर उन्हें बेहोश कर लूट की वारदात को अंजाम देता था। इसने अब तक करीब 150 लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने इसके पास से 283 ग्राम नशीला पाउडर, आधा दर्जन स्मार्ट फोन, 8 पत्ते एल्प्राजोल्म के टैबलेट, 8,000 रुपये नकद और ATM कार्ड बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ GRP समेत अन्य थानों में लगभग 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस साफिर किस्म का जहर कुरान है, ट्रेन में चलने वाले यात्रियों से दोस्ती बनाना और उसके बाद उनको चाय पिलाने के बहाने उसमें जहरीला और नशीला पदार्थ मिला करके उनका सामान लूट ले जाना, इसकी हैबिट रही है। अब तक लगभग 12 से अधिक ज्ञात मुकदमे इसके विरुद्ध विभिन्न GRP के स्टेशनों में, पुलिस स्टेशनों में दर्ज हैं, और इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके पास से 6 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जो विभिन्न घटनाओं में लूटे गए थे। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में नशीला पाउडर और नशीले टेबलेट्स बरामद हुए हैं जो प्रतिबंधित श्रेणी के हैं। इसके 2 अन्य साथी भी हैं। खबर असम से है। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की छत्रछाया के ऊपरी असम में लकड़ी माफिया का काला साम्राज्य चल रहा है। दरअसल ऊपरी असम के पुलिस की आंखों के सामने रोजाना 20 से भी अधिक अवैध खैर काठ लकड़ी से भरे ट्रक भेजे जा रहे हैं। लकड़ी माफिया और दलालों की पॉकेट में राज्य का पुलिस विभाग रहता है। वन विभाग कुंभकर्णी नींद में खोया हुआ है। ऊपरी असम के धौला, साधिया और पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश से रोजाना करोड़ों रुपए मूल्य की बहुकीमती खैर की लकड़ी अवैध रूप से धड़ल्ले से भेजी जा रही है। पड़ोसी राज्य नागालैंड के लोंगिक और वाखा जिलों के इन वन विभाग की फर्जी टीपी का व्यवहार करते हुए ऊपरी असम के 20 से भी अधिक पुलिस थानों के सामने से रोजाना अरुणाचल प्रदेश के अवैध खैर की लकड़ी से भरे ट्रक बाहरी राज्यों में धड़ल्ले से रवाना होते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।